हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? सर बहुत बढ़िया है। सर अभी अभी एक नोटिफिकेशन आई है इंस्टीट्यूट की तरफ से। सर कौन सी डेट को? सर 3 जुलाई को, और लगभग रात के बज रहे हैं सर 11:30 बजे। इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन निकाली है, सो दैट इंस्टीट्यूट कहता है कि आज पूरी रात हम बच्चों को सोने नहीं देंगे, आज बच्चे करेंगे सर पार्टी। क्यों सर? नोटिफिकेशन आ गई इंस्टीट्यूट की। क्या सर? एग्जाम्स हो गए हैं फाइनली कैंसिल, जिसका हमें बहुत देर से इंतजार था। बच्चे बहुत ज्यादा बेचैन थे सर, करे तो करे क्या सर? इंस्टीट्यूट कुछ नहीं कर रहा, हमने पहले कहा था इंस्टीट्यूट जो करेगा आप लोगों की भलाई के लिए करेगा। तो 3 जुलाई सर रात को 11:30 बजे इंस्टीट्यूट एक नोटिफिकेशन निकाल रहा है। सर क्या नोटिफिकेशन निकाल रहा है? मिठाई तैयार रखो, इंस्टीट्यूट ने यह कहा है कि मिठाई तैयार रखो, मिठाई खाओ, पार्टी करो, लेकिन अकेले में करो, किसी के साथ नहीं करनी। सर सिचुएशन नहीं है अभी गैदरिंग करने की, एग्जाम कैंसिल किए हैं, अकेले बैठकर मिठाई खाओ, फ्रेंड्स के साथ मिलकर नहीं खानी हमें मिठाई। चलो जी, इंस्टीट्यूट ने कहा क्या? इंस्टीट्यूट ने कहा जी हमने 15 जून को पहले नोटिफिकेशन निकाली थी, जिसमें हमने ऑप्ट आउट की ऑप्शन दी थी स्टूडेंट्स को कि आप लोग एग्जाम नहीं देना चाहते तो ऑप्ट आउट कर लो। उसके बाद 17 जून को फिर से हमने नोटिफिकेशन निकाली जी, उसके ऊपर FAQs प्रोवाइड किए, और जो डेट थी हमने फिर 20 जून से लेकर 26 को हमने ऑप्ट आउट की जो स्कीम थी वो एक्सटेंड कर दी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अनलॉक वन में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो COVID-19 के केस है वो नीचे आ जाएंगे सर, जून 20 तक जो डाउनवर्ड है ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या? वो तो उल्टा हो गया सर, वो तो बढ़ने लगा ग्राफ। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक 29 जून को निकाल दिया कि जी हम सारे इंस्टीट्यूट्स जो है वो 31 जुलाई तक बंद रखेंगे, राइट? तो उसके बाद सर ये चीज है मेन, जहां पर इंस्टीट्यूट ने क्या कहा, ऑन द रिव्यू ऑफ द अबव डेवलपमेंट्स इन ऑर्डर टू इंश्योर द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर वेलबींग द इंस्टीट्यूट हैज डिसाइडेड टू कैंसल May 20 examination and merge May 20 attempt with November 20 examination with due carry forward of all the benefits available to students including the fee paid and exemptions. तो institute ने क्या किया है, अब May 20 exam नहीं होंगे। May 20 भूल जाओ कि attempt थी कोई May 20 में सर, this is historic, basically historic है सर ये। ऐसी चीज होना, एक अटेम्प्ट पूरी के पूरी कैंसिल हो जाना आसान नहीं था इंस्टीट्यूट के लिए, लेकिन हमने स्टार्टिंग से कहा था कि इंस्टीट्यूट जो भी डिसीजन लेगा वो आप लोगों के लिए बेनिफिट में ही होगा। तो इसलिए अब मई 20 एग्जाम हो चुका है कैंसिल, अब कैरी फॉरवर्ड हो चुका है नवंबर 20 एग्जाम पे, अब आपकी जो अटेम्प्ट है दैट इज नवंबर 20। द स्टूडेंट्स हु हैव मेड एप्लीकेशन फॉर मई 20 एग्जाम विल हैव An option to change the groups in their appearance. वो कहता है कि जिन्होंने अगर एक ग्रुप सोचा था, हमने सोचा था कि एक ग्रुप देंगे मई में, अब नवंबर अटेम्प्ट है तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप बोथ ग्रुप्स के लिए ऑप्ट कर लो, एडिशनल फीस जो होगी सिर्फ वो पे करने की जरूरत पड़ेगी, वो उसकी जो एग्जामिनेशन जब विंडो ओपन होगी सर तब करेंगे, राइट? तो उसके लिए अभी मत पूछना कि सर विंडो कब ओपन होगी, वो ICAI को भी नहीं पता, तो मुझे कहां से पता होगा सर, राइट? ठीक है जी। तो अब खुशी की बात यह है कि सर एग्जाम्स तो हो गए कैंसल, अब एक तरफ से तो हमारी टेंशन हुई कम, हमारे पेरेंट्स की टेंशन हुई कम कि बच्चे को अब जाना नहीं पड़ेगा सर, रिस्क कोई नहीं है, घर पे बैठेंगे, राइट? लेकिन अब जरूरी यह है समझना कि सर अब हमें क्या करना है। हमारे पास अब 4 महीने हमें मिल तो गए हैं, नवंबर 20 अटेम्प्ट तो होगी टाइम पर, राइट? अब वो अटेम्प्ट तो नवंबर से दिसंबर जाने वाली नहीं है, नवंबर 20 अटेम्प्ट तो होगी टाइम पर। अब उसके लिए हमें किस तरह से तैयारी करनी है सर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम लोग एक वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द, कल या परसों में डेफिनेटली एक वीडियो आएगी कि अब आपको अगले 4 महीने किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी है, दैट इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर ये 4 महीने के बाद भी आपने कहा कि सर तैयारी नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है सर CA करने का, ठीक है? तो अभी के लिए तो भूल जाओ, अभी मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा क्योंकि सब अभी तो हम लोग हैं पार्टी मूड में, अभी तो हम लोग पार्टी करेंगे, रात को सोएंगे नहीं, पेरेंट्स को तंग करेंगे कि नोटिफिकेशन आ चुकी है, हम लोग अब बेफिक्र हो चुके हैं, हम लोग आज का दिन हम लोग सोने वाले नहीं है, हम लोग म्यूजिक बजाएंगे सर, मिठाई खाएंगे, अकेले में खाएंगे, किसी के साथ नहीं खाएंगे, ठीक? तो सर यही इंपॉर्टेंट अपडेट था जो आप लोगों के साथ शेयर करना था, राइट गाइस? सो कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।